हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन क्लासेस। और जो आज का हमारा सेशन है वो है हमारा मैथ का, यानी गणित, और ये है हमारा पार्ट टू। इसके अंदर हम वो क्वेश्चन करेंगे एक्सपेक्टेड और इम्पोर्टेंट, जो कि कहीं ना कहीं आपके रेलवे एनटीपीसी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं सेम स्टेटमेंट के साथ, तो उनको हम आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो सिंपल सा है हमारा बोट एंड स्ट्रीम का, कि एक नाव की धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। अब देखिए, यहाँ पर हमेशा आपसे दो ही चीज़ पूछेगा एग्जामिनर, कि शांत जल में नाव की चाल या फिर शांत जल में धारा की चाल। अगर नाव की चाल पूछेगा जैसा कि अभी पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई और अपॉन में हम 2 से भाग कर देते हैं। और अगर धारा की चाल पूछेगा तो उसका क्या होता है, x माइनस वाई, उसको भी हम 2 से भाग कर देते हैं। अब ये x और y क्या होती है, ये होती है स्पीड। क्या होती है, स्पीड होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 24 किलोमीटर की दूरी है, 4 घंटे में तय कर रही है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी। अगर हम 24 को 4 से भाग करेंगे तो हमारी जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी पहली 6, यानी कि x की जो वैल्यू आ गई वो हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट बोल रहा है कि धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी, यानी कि ये जो दूरी है 24 किलोमीटर, इतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करता है। तो y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 24 किलोमीटर दूरी है और समय है 6 घंटा, इसको हम फिर इससे भाग कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, जो कि y हो जाएगी। तो 24 को हम 6 से भाग करेंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा 4। तो यहाँ पर मैंने 6 + 4 पहले ही लिख दिया। ओके, फिर हमारा क्या था, x प्लस वाई बटे में 2, शांत जल में नाव की चाल, तो 10/2। तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए पे हम जाएंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करूँगा ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बढ़ते हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा आपने थंबनेल पे देखा था कि 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। आप देखिए, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको घन का आयतन पता होना चाहिए। घन नहीं दिया होगा तो अगर यहाँ पे स्केयर दिया होगा, यहाँ पर आपको शंकु दिया होगा, आपको बेलन दिया होगा, आपको गोला दिया होगा, कुछ भी दे दे, आपको उसके आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फिर आप उन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर पूछा है 25 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनेंगे। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारा जो घन के आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्या, ए की क्यूब, ठीक है। तो अब देखिए, 25 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी हम क्यूब करेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 का स्केयर कितना हो गया, 625, और 1/25 हमने ऐसे ही लिख दिया, अगर आपको इसका क्यूब नहीं पता तो 25 × 25 × 25, तो ये 25 की क्यूब हो गई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर वाले कितने घन बनेंगे। तो 5 का तो आप क्यूब निकाल सकते हैं, इसलिए 125। तो यहाँ पर भी एक ही क्यूब हो गया, ये भी हमारा दूसरा एक ही क्यूब हो गया, यानी कि दोनों आयतन को हमने एक दूसरे के इक्वल कर दिया। बस आपको इतना सा करना होता है। इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कट गया 5 टाइम में, और इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये कटेगा 125 टाइम में। तो यहाँ पर कितने घन बने हैं, 125 घन। तो ये हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। उम्मीद करूंगा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ पे घन दिया हुआ है, चाहे आपको वर्ग दे दे, चाहे आपको यहाँ पे ये वर्ग दे दे, चाहे आपको शंकु दे दे, चाहे बेलन दे दे, चाहे गोला दे दे, कुछ भी दे दे, आपको इन दोनों के जो घन के हैं उनके आयतन जो हैं उनको एक दूसरे के इक्वल करना है और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है, यदि वह 7% का बट्टा दे तो पहले से उसे 30 रुपये कम लाभ होता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिए, यहाँ पर 5% का बट्टा दे रहा है, यहाँ पे 7% का बट्टा दे रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, दोनों बट्टों में कितने का डिफरेंस है, 2% का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस हो गया 2% का, और उसे 30 रुपये कम लाभ होगा, तो यहाँ पर रुपये में कितने का अंतर हो गया, 30 रुपये का। तो यहाँ पर परसेंटेज में डिफरेंस है और यहाँ पर रुपीज़ में डिफरेंस है, तो दोनों डिफरेंस को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, राइट। तो देखिएगा, यहाँ से 1% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी, 15 आ जाएगी, इसको हम कैंसिल करेंगे,
और अंकित मूल्य क्या होगा, 100% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 100% की वैल्यू कितना होगा, इसको हम 100 से गुणा कर देंगे, तो यानी कि 1500 हमारा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करूँगा ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, सुमित अमित से 2 गुनी गति से कार्य करता है, यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करें तो सुमित अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ओके, तो अब इसके लिए आपको पहले एक फॉर्मूला बता दूं जो कि टाइम एंड वर्क का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो वर्क होता है वो हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम के इक्वल होता है, यानी कि जो हमारा काम होगा वो क्षमता और समय को गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारा सुमित और यहाँ पर है हमारा अमित, राइट। सुमित अमित से 2 गुनी गति से काम करता है, तो यानी कि अगर अमित की गति 1 होगी तो सुमित की गति 2 होगी, 2 गुनी गति से काम कर रहा है, और ये इनकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, एफिशिएंसी ई लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो कह रहा है दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी को अगर हम जोड़ देंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो देखिएगा ये एफिशिएंसी है दोनों की 3, और 12 दिन क्या हो गया, टाइम हो गया, तो एफिशिएंसी इनटू टाइम अगर हम करेंगे 12 गुणा 3 तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 36, ये आ जाएगा हमारा वर्क। उम्मीद करूंगा ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, 36 हमारा क्या आ गया, वर्क आ गया। अब देखिए वर्क हमको लग गया पता, पूछा है सुमित अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा काम हमारा कितना है, यहाँ पे हमारा 36 है, और सुमित की जो एफिशिएंसी है कार्य करने की क्षमता वो कितनी है, 2 है, तो सुमित की एफिशिएंसी से हम इसको भाग कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा सुमित उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 18 यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सुमित अकेला उस काम को 18 दिन में करेगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको कर देते हैं रफ और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल कितनी है, आपको ये बताना है। तो देखिए व्यक्ति की चाल हमें कैसे पता लगेगी, अगर हमको प्लेटफॉर्म की लंबाई पता होगी उसमें से हम व्यक्ति की जो टाइमिंग है उसको हम भाग कर देंगे टाइम को, तो हमारे पास व्यक्ति की चाल आ जाएगी, यानी कि व्यक्ति की स्पीड आ जाएगी। ओके, तो हमको जो है टाइम तो दिया हुआ है बट हमको जो है प्लेटफार्म की लंबाई नहीं दी, तो हमको पहले प्लेटफार्म की लंबाई निकालनी होगी। तो देखिएगा 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो यहाँ पर देखिएगा आप 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी के साथ प्लेटफार्म की लंबाई भी जुड़ती है, इसको हमने लिख दिया 240 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि प्लेटफार्म की अपनी एक लंबाई होती है। अगर रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो उस रेल, मान लीजिए यह है प्लेटफार्म और ये रेलगाड़ी अगर प्लेटफार्म को पार करेगी, रेलगाड़ी तो पार हुई, साथ साथ इस प्लेटफार्म की लंबाई भी तो उसने कवर की, तो इन दोनों की लंबाई हमेशा ऐड होती है। अब यहाँ पर तो आप समझ गए, अब देखिए 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, तो यहाँ पर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है बट यहाँ पर ट्रेन की लंबाई मीटर में दी हुई है, टाइम भी हमको सेकंड में दिया हुआ है, तो इस 108 किलोमीटर प्रति घंटे को हम मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में आपको बदलना आता होगा, 108 को हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये 18 नीचे न रहकर ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 18 को ऊपर लिख दिया, इज इक्वल टू वो उसको 20 सेकंड में पार कर रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी प्लेटफार्म की लंबाई आ जाएगी, यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो देखिए 18 से हमने इसको कैंसिल किया 6 टाइम में, अब 5/6 के कितना हो गया 30, और 30 इधर जाके 20 में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 600 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा हमारी इक्वेशन क्या बनी, 240 प्लस एक्स इज इक्वल टू 600, राइट। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 240 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई 360। उम्मीद करूँगा ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि जो प्लेटफार्म की लंबाई है वो हमारी कितनी आ गई, 360 आ गई। अब यहाँ से हम अपने अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं कि एक व्यक्ति इसी प्लेटफार्म को, जिसकी लंबाई कितनी है 360 मीटर,
को 5 मिनट में पार करता है। तो देखिए मीटर के साथ हमेशा क्या जुड़ता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो 5 मिनट में पार करा तो इसको भी हम सेकंड में बदल लेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे 60 से गुणा कर देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये भी हो गया मीटर, ये पर सेकंड हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा अब टाइम आ जाएगा। तो इसको हमने कैंसिल किया, ये कट गया हमारा 6 टाइम में 6/5। इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो गाइज उम्मीद करूंगा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।